ये तो एक्सपेंशनिज हुआ ना जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा तो वो एक्सपेंशनिज्म आजकल नहीं चलने वाला है वो पुराना ज़माने का एक वक्त ऐसे हुआ करता था अब इंडिया भी वो सिक्सटीज़ का इंडिया नहीं रहा इंडिया भी बहुत मजबूत हो गया है स्ट्रांग हो गया इकोनॉमिकली हो गया मिलिट्री हो गया तो उससे किसी को भी लाभ मिलने वाला नहीं है तो चीन को भी जिसको दोबारा सोचना पड़ेगा भारत को भी सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है मगर अभी का जो स्थिति है भारत जो स्ट्रांग पोजीशन ले रहा है वो हम सपोर्ट करते हैं बिल्कुल आपने अरुणाचल प्रदेश में देखा किस तरीके से चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे वही तो प्रॉब्लम है ना कि एक जगह नहीं है तो दूसरा जगह खोल लेते हैं तो ये क्यों क्या है इसका पीछे सोच क्या है यही तो हम बता रहे हैं कि बहुत इनसिक्योर है इनसिक्योर नहीं है तो फिर ऐसे क्यों करना है यह तो फुल आक्रमण करो तो तो कौन जीता है देख ले रहे हैं छोटा छोटा ये जो इरिटेट करने वाला काम जो है वो किसी को भी यूज़ नहीं हुआ बिल्कुल तिब्बत को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं खुल कर के सामने आ रही है ये आ जाएगा अभी वक्त थोड़ा लग रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स तो पहले से था और कैनेडा भी है अब यूरोप वाला अभी जाग रहा है स्थिति को देख के तो जब समझ में आएगा इनको कि चीन का नीति क्या है इनका सोच क्या है इसको इनके वजह से दुनिया को कितने दुख सहना पड़ता है प्रॉब्लम सहना पड़ता है नेबर सबको चीन से प्रॉब्लम है तो इसका मतलब चीन भी प्रॉब्लम है चीन हर जगह निवेश करके वहाँ के कंट्री को ओकोपाई कर रहा है और लगातार अपना वहाँ पे दबदबा बना रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं उस कंट्री को पूरी तरीके से ख़त्म करने की प्लानिंग से और ये श्रीलंका की अगर बात करें श्रीलंका में भी वही कलोनियल कोलोनियल देशों जितने भी थे एजेस में या सेवनटीन एटीन सेंचुरी से अभी तक सबका नीति एक ही है कि पहले कब्जा करो फिर इनका आइडेंटिटी चेंज करो कि अपना बनाओ अपना आद, आद, आदमी हो वही तो चल रहा है तिब्बत में इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप रियलिटी को समझो जो सच्चाई है उसको समझो फिर नीति ले लो